हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। दूसरा टी20 भी भारत ने जीत लिया है 22 रन से, हालांकि डीएलएस मेथड से, बारिश और लाइटनिंग के चलते, लेकिन चलिए जीत तो गए क्योंकि अब सीरीज पॉकेट में, मतलब आखिरी टी20 में भारतीय दल ट्राई कर सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं भारतीय दल और जिस तरीके से जीता। रोहित शर्मा फॉर्म में दिखे, एक और अर्शतक, विराट भी अच्छे लय में दिखे, लेकिन कृणाल पांड्या, इसके बारे में, उनके बारे में मैं ज्यादा इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि एक एडमायरर रहा हूं मैं उनका फैन आप कह सकते हैं, कुछ सालों से रहा हूं, कि जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्योंकि सिर्फ स्लॉगर नहीं है, ऐसा नहीं कि आखिरी ओवर में आके सिर्फ छक्के चौके लगाते हैं, लेकिन उनमें वो काबिलियत भी है जो बीच के ओवर में आके स्ट्राइक रोटेट करें। और मेरे हिसाब से आगे चलते हुए इस वर्ल्ड कप की तरफ अगर देखें टी20 और एक दिवसीय क्रिकेट की तरफ, मेरा ये मानना है कि कृणाल पांड्या जिस तरीके के ऑलराउंडर हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं भारतीय दल के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो बीच में बैटिंग कर पाए, मतलब चार में अगर जरूरत पड़े तो कृणाल पांड्या मेरे हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं। साथ में गेंदबाजी तो है ही, इस मैच में भी दो महत्वपूर्ण विकेट, उनमें से एक रॉफमन पावल का था जो कि अच्छे लय में दिखे, और देख के लग रहा था थोड़े से डेंजर से दिख रहे थे रॉफमन पावल, लेकिन उनकी खासियत यह है क्रिकेट स्मार्ट है, क्रिकेट आईक्यू है, शायद टैलेंट उतना ज्यादा नहीं, लेकिन उनको अपने दायरे पता है और दायरे के भीतर रह के किस तरीके से बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, किस तरीके से रन बना सकते हैं भली भांति जानते हैं। तो कृणाल पांड्या के ऊपर नजर जरूर रखिएगा क्योंकि मेरे नजर तो काफी दिन से, और मेरा ये मानना है आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खासकर कृणाल पांड्या हुआ। दूसरी बात, दोबारा मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि चर्चा तो जारी रहेगी जब तक कोई मिलेगा नहीं, लेकिन बस एक चीज मेरा ये ओपिनियन है, खासकर टी20 के फॉर्मेट में जो मिडिल ऑर्डर है उनको थोड़ा ज्यादा वक्त देना बहुत जरूरी है वनडे से ज्यादा टी20 में, क्योंकि जो चार पांच नंबर पे आते हैं उनके पास ओवर कितने रहते हैं, 5 ओवर 6 7 ओवर, तो वहां पे वो थैंकलेस सा जॉब है, क्योंकि उनसे आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आउट ना हो, आप चाहते हैं वो तेज गति से रन भी बनाए, और ऐसे अगर पिच हो जहां पे थोड़ा ट्रिकी सा हो तो असेस भी करे पिच को कि भैया ये 160 का पिच है या 200 का पिच है, उस हिसाब से बैटिंग करे। तो ये जो चीजें वो थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड शायद कम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना जरूरी है, थोड़ा ज्यादा पेशेंट रहना जरूरी है। आप अगर इसी मैच में देख ले जिस तरीके से मनीष आउट हुए, जिस तरीके से ऋषभ आउट हुए, अगर वो शॉट लग जाता, खासकर ऋषभ की मैं बात कर रहा हूँ, शॉट लग जाता तो बड़ा शानदार शॉट होता वो, तो रिस्क लेने जरूरी है लेकिन साथ में विकेट भी नहीं गवा सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा ज्यादा पेशेंट रहें मिडिल ऑर्डर, खासकर टी20 फॉर्मेट में थोड़ा ज्यादा मौका मिले। गेंदबाजी दोबारा शानदार रही, तो अच्छे आसार दिख रहे हैं भारत के लिए टी20 में, लेकिन ध्यान में ये भी रखना जरूरी कि ये जो सतह थी ये थोड़ा सा ज्यादा बोलिंग फ्रेंडली, लेकिन अब जैसे हमने कहा सीरीज पॉकेट में, मतलब आखिरी मैच में बदलाव कर सकती है, क्योंकि आगे चलते हुए सिर्फ साल सवा साल बचा है वर्ल्ड कप के, पहले ऐसे मौके मिलेंगे नहीं जहां पे आप काफी हद तक कह सकते हैं डेड रबर है। तो क्या क्या चेंजेस देखना चाहूंगा मैं थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है ये होना प्रैक्टिकली, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि विराट रोहित रेस्ट लें, वहीं पे केएल राहुल को मौका मिले ओपन करें, श्रेयस अय्यर को मौका मिले 3 नंबर पे, वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आप, वैसे मैं कह रहा था कृणाल को आप बीच में खिला के देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी की बात करें तो वहां पे दीपक चहर है, बूबी को रेस्ट दे सकते हैं, वो भी काफी दिन से खेल ही रहे हैं, अभी उनको रेस्ट दे के आप दीपक चहर को थोड़ा मौका दे सकते हैं, राहुल चहर को मौका दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया जडेजा आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए बेशक। तो ये कुछ चीजें जो हैं आप बदलाव जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई डोंट थिंक इंडियन टीम शुड मिस इट, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा डेड रबर जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं बहुत कम मिलेंगे वर्ल्ड कप के पहले, और ज्यादा देर नहीं है, सवा साल ही है। तो इतना ही आज के लिए डीप पॉइंट में, ये हमारा एनालिसिस था दूसरे टी20 के लिए, लेकिन मत भूलिए शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और साथ में कमेंट्स भी जो आपके रहे वो बताते रहें, आपको अगर लगे कैसा लगा वो भी बताएं मुझे, और कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में वो भी जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, फैलाइए इस शब्द को और इस प्रोग्राम को, और मिलते हैं बहुत जल्दी, अब तक के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।